आपके साथ गुस्से। और सबसे पहले खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, बड़ी खबर मिल रही है जहां केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मंत्री थावरचंद गहलोत पहुंचे हैं रायपुर और थावरचंद गहलोत 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे थावरचंद गहलोत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लिहाजा इसको देखते हुए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। रायपुर पहुंच रहे हैं थावरचंद गहलोत, लगभग 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि आज बीजेपी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसको देखते हुए थावरचंद गहलोत रायपुर आ रहे हैं, कौन कौन से खास कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत करीब 9 बजे के आसपास रायपुर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और लगभग 11 बजे के आसपास सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल के दूसरे जो कार्यकाल है उसका 100 दिन पूरा हुआ है, तो उसी के तहत यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और 100 दिन में क्या काम मोदी सरकार ने किए हैं उस उपलब्धियों को यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत है वो बताएंगे। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा सांसद हैं, वो अलग अलग जगहों पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने 100 दिन के अंदर कई ऐसे काम किए हैं जिसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिला है। इस तरीके से हमने देखा है कि कई बड़ी उपलब्धियाँ यहाँ पर हुई है। बजट में कई तरह का प्रावधान किया गया था, इस तरीके से जो जीडीपी है हालांकि अभी थोड़ी डाउन है लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को संभालने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हैं वो अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। इसके उनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और जो पूर्व मंत्री और वर्तमान में रायपुर दक्षिण से जो विधायक हैं विभन अग्रवाल, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रायपुर में होने जा रहा है जी। इसके अलावा जैसा कि कार्यक्रम कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं कि बीजेपी के अब तक के कार्यकाल में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं बीजेपी ने वो सभी लोगों के सामने रखे जाएगा मंच के माध्यम से, लेकिन कौन कौन मंच पर नजर आ सकता है? और हेमंत, देखिए दूसरा मैंने पहले ही बताया कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बिजभन अग्रवाल मौजूद रहेंगे। सभी थावरचंद गहलोत के साथ साथ जो तमाम बाकी नेता हैं वो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं और सरकार की उपलब्धियाँ गिना सकते हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के और दौर की बात की जाए तो सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले से रायपुर पहुंचे हैं, हालांकि कुछ भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात जो यहाँ प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर होगी, कई चीज़ों को लेकर रायशुमारी हो सकती है, लेकिन मेन जो उनका दौरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। यहाँ पर तमाम जो अलग विभाग के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं 100 दिन में क्या काम जनता के लिए उन्होंने किया, किस किस क्षेत्र में काम हुआ, इस सभी जो चीज़ों को बिंदुवार तरीके से वो मीडिया के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और अगली